एंगल ग्राइंडर के अंदर दो ब्लेड किस तरह से डालते हैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। पहले ऊपर का एबी वाचर को निकालें, नीचे का एबी वाचर नीचे रखें। एक नया ब्लेड लेना चाहिए और इसके वाचर इसमें ब्लेड में लगाना ज़रूरी है जो एबी वाचर को लगता है, और एक वाचर की हमें ज़रूरत पड़ेगी और एक वाचर इसके अंदर डालना पड़ता है। जब नीचे का ब्लेड बिना फटाए ऐसे ही डाल देते हैं, इसमें वाचर डालने की ज़रूरत पड़ती है। एक और आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ जिसमें कोई वाचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक डबल ब्लेड अडाप्टर है जिसकी मदद से डबल ब्लेड हम जोड़ते हैं। पहले हम इसके नीचे के एबी वाचर को फटा कर इसके स्पिंडल के अंदर डालते हैं, तब हमें कोई वाचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से मैंने डाल दिया, उसके ऊपर मैंने ए ब्लेड को रखा। उसके बाद अडाप्टर आपको इसके अंदर फिट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी वाचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके ऊपर और एक नई ब्लेड लेकर इसको ऊपर डालते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको फिट कर लेना ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने कहा कि और एक ब्लेड ऊपर लगनी चाहिए और इसके अंदर कोई भी वाचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसका ए बी वाचर ऊपर वाला ऊपर भी इसके अंदर फिट कर दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इलियास और आप देख रहे हैं इलियास पावर टूल। इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई बढ़ा सकते हैं। पानी की मदद से दो ब्लेडों को कसकर टाइट करें ताकि ये खुल ना जाए। इस तरह ग्राइंडर को दो ब्लेड सेट करने से हमें एक साथ दीवार में दो दो गाड़ियाँ आते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ज़्यादा फास्ट के साथ हो जाएगा। इससे मशीन कुछ ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपको चाहिए कि मशीन के वॉट्स ज़्यादा हो, यानी इसका अच्छी पावर वाली मशीन हो। मशीन के अंदर हमने दो ब्लेड डाल दिया है और इसको ऑन करके हम देखेंगे कि किस तरह से आवाज़ देती है, कोई ज़्यादा शोर करती है या कम करती है। मेरे ख्याल से इसका आवाज़ एक ब्लेड की जैसी ही होगी। तब हमें एक ब्लेड डालेंगे तो किस तरह से आवाज़ आती है, दो ब्लेड डालेंगे इसी तरह से आवाज़ आती है। चलिए शुरू करेंगे। Thank you.